वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा प्यार दिया है उन सभी को थैंक यू सो मच। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब मैंने पोस्ट डाला था YouTube कमेंट सेक्शन में कि मेरे को इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से मैं शायद से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, व्लॉग्स वगैरह नहीं आ पाएंगे, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे, आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, मैं हूं यश कदम, आप लोग देख रहे हो फिट बाइट। तो आप लोग से आज बहुत सारी बातें करनी है, वो मैं करूँगा आगे वीडियो में। अभी सबसे पहले मैं ग्रीन टी के लिए पानी रख देता हूँ और आज लगभग 7 या 8 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो था मेरा वो वैक्सिंग वाला, उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा रिकवरी पे अच्छे से ध्यान देता हूँ, उसके बाद फिर आराम से वीडियो बना लूँगा। तो आप लोग को आज की वीडियो में सारे अपडेट दे दूँगा जो भी ये 7-8 दिनों में हुआ हो। अभी पानी जो है वो बॉइल हो रहा है, तब तक वेट चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हुआ मैंने अपना वेट चेक नहीं किया और साथ में मैंने कोई वर्कआउट भी नहीं किया है, तो बॉडी कंडीशन भी मेरे को चेक करना है, वो भी चेक कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो मेरे बॉडी कंडीशन आप लोगों ने देख ली, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरे को जो मिल रहा था वो मैं खा रहा था, डाइट वगैरह मेरा सब कुछ बंद था। और आप लोग सुनते रहेंगे कि मेरा आवाज़ जो है मैं बहुत ही आराम से बात कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों है ये भी आप लोग को थोड़ी देर में बता दूँगा, इसके पीछे भी एक रीज़न है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये मेरा नया सिटिंग स्पॉट है, मैंने घर का पूरा अपना नक्शा जो है वो बदल दिया है, वो भी आप लोग को बताना है। ये अभी मैं अपने फ़िलहाल गैलरी में बैठा हूँ। Cheers. तो गाइस ग्रीन टी खत्म, अभी मैं वॉक करूँगा। आप लोग ने अगर मेरे मतलब आप लोग मेरे पहले के वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता रहेगा कि मैं सुबह वॉक करने के लिए जाता था यूजुअली और उसके बाद आने के बाद स्ट्रेचिंग करता था, लेकिन अभी मैं सुबह उठते साथ ही स्ट्रेचिंग करता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है छोटी सी इंजरी हो गई थी मेरे को, इंजरी एज इन क्या है वो आप लोगों को बाद में बताऊँगा लेकिन सबसे पहले स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। तो इंजरी की वजह से ही मेरे को सुबह मतलब जितना हो सकता है उतना स्ट्रेचिंग करने बोला है, वर्कआउट के पहले वर्कआउट के बाद में, और दिन में एटलीस्ट 3 बार तो स्ट्रेच करना चाहिए, स्पेशली मेरे पैर जो है उन्हें स्ट्रेचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन डिटेल आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगा, अभी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। आज बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा है और अभी मैं निकला हूँ थोड़ा घर के काम से और मेरे पर्सनल काम से, मेरे को थोड़ा सा पैंट अल्ट्रेशन कराना है, वो भी कर लूँगा, साथ में अदरक, कोथमीर और मिर्ची, ये चीज़ मम्मी ने लाने बोला है तो वो भी लेकर आऊँगा। एकदम मस्त है ये वीडियो, मला एक छोटा सा प्रमोशन करायचं तुमचं, मला तुमचं काम खूप आवडलं, त्यामुळे माझं यूट्यूब चॅनल आहे, यूट्यूब चॅनलवरती फक्त मला एवढं बोलायचं आहे की अगर तुम्ही जुईनगरमध्ये कुठे राहता तर इकडे येऊन करायला, कारण की मला काम फक्त इकडे नाही राहत ना, तुम्ही काम तर इकडे करता ना, मग तेच मला फक्त लोकांना सांगायचं आहे की अगर तुम्ही इथे आसपास कुठे राहताय तर इकडे येऊन तुम्ही करू शकता, मला तुमचं काम खूप आवडलं आणि कमी पैशामध्ये तुम्ही खूप चांगलं काम करून दिलं, फक्त मला एवढंच बोलायचं आहे। ॲक्च्युली मेरा यूट्यूब चॅनल आहे तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनसे काम करा के गया, मतलब स्टिचिंग करा के गया,
सॉरी महाराष्ट्र मी महाराष्ट्र आहे. तुम्ही पण महाराष्ट्र आहे का? ॲक्च्युली मी यांच्याकडे पहिल्यांदा हे कपडे अल्टर करून गेलो आणि कमी पैशामध्ये खूप चांगलं करून चांगलं गेलं, त्यामुळे मी बोललो की थोडा आम्ही फर्स्ट टाईम आलो. मला माझ्या कॉलनीच्या फ्रेंडनी रेकमेंड केलं तर मी बोललो मी इथं जुईनगरला राहतो. मी पहिले जुईनगरला राहतो. मी माझं यूट्यूब चॅनल आहे, यूट्यूबवरती चॅनल आहे. हां तर आपल्या इकडचे लोक भरपूर लोक बघतात तर मी बोललो की का एकदा फक्त बोलायला. माझं काय अपेक्षा नाही कोणाकडून, मला फक्त यांचं काम आवडलं तर मी एवढं सांगतोय अगर तुम्ही जुईनगरच्या आसपास कुठे राहता तर तुम्ही यांच्याकडे अल्टर वगैरे करायसाठी येऊ शकता. खूप कमी पैशामध्ये चांगलं काम करता, फक्त एवढंच बोलायचं होतं मला. मला काम आवडलं कारण की मी पहिले जायचो तिथे जास्त पैसे जास्त लागायचे आणि काम थोडंफार आहे, तर म्हणून बोललो की थोडं. एक्चुअली उनके लिए और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन था क्योंकि मैंने अचानक से बोला कि मेरे को छोटा सा एक प्रमोशन करना है आपका. मैंने इसके पैसे वैसे नहीं लिए प्रमोशन के. देखो काम अच्छा लगा मैंने तो इसीलिए सोचा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो टेलर ढूंढ रहे और टेलर मिल नहीं रहे. मेरे को स्पेशली टेलर बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम पर मैं फैशन से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाता हूँ, तो मेरे को फिटिंग्स वगैरह के लिए टेलर लगता है. और मैं पहले जहाँ पर जाता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और इतने ज़्यादा पैसों में मतलब जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलता नहीं था, लेकिन इन्होंने कम पैसों में इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा इनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है यहाँ पे वो काम करते ऐसा वैसा. देखो हर चीज़ ना पैसे लेकर प्रमोट नहीं की जाती, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में मैंशन किया कि मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं लिए. और ये मैंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वरना नीचे कमेंट सेक्शन में लोग लिखेंगे. मेरे सब्सक्राइबर्स में से तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे एक दो तो होते हैं लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यार छोटे छोटे लोगों से पैसे लेकर, मतलब छोटे छोटे दुकानों से पैसे लेकर प्रमोट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कुछ भी, दिल से लगा तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार लोगों तक बस पहुंचाया जाए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, अगर आपको अल्ट्रेशन वगैरह करना है तो यहाँ पर आप आ सकते हो. तो इन शॉर्ट अगर बोलने जाओ तो जुईनगर या नेरुल के आसपास आप कहीं पर रहते हो, आपको अल्ट्रेशन करना है, टेलर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो. बहुत ही अच्छा काम करते हैं, स्पेशली जो क्या बोलते हैं लड़कों के कपड़े हैं वो करते हैं. अभी लड़कियों के मेरे को पता नहीं, तो अभी जल्दी से मैं जो भी सामान मेरे को लेना है वो ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलता हूँ. तो बस इतना ही था आज के लिए. और मेरे को हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि वो टाइम पे जो अंकल दूसरे अंकल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे जानने के लिए कि ये क्या कर रहा है, यूट्यूब पर क्या करता है ये वो ऐसा ऐसा. लेकिन ठीक है, तो रखता हूँ मैं और मिलता हूँ फिर आप लोग से. सो गाइस बैक होम. अरे ना बोलते बैक होम बोला तो बोलते हो. अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सबसे पहले मैं नहा लूँ या फिर मैं खा लूँ. राइम हो गया. सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ क्योंकि मैंने बालों को ऑयलिंग किया है. वो कब क्या चाहिए तुम लोग को, एक तो मैं चिल्ला भी नहीं सकता. सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ फिर उसके बाद खा लेता हूँ. 2000 years later. So guys, finally मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है. यहाँ पे 4 होल व्हीट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसके साथ मैं 4 अंडे जिसमें से मैंने 2 के योक्स निकाल दिए चाय. ओके सो ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम फाइनली खत्म हो गया. मेरा फोन, एकदम सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा कि मेरे को एग्जैक्टली इंजरी क्या हुई थी. मेरे को हुआ था हाइपर सोरनेस या फिर मसल टाइटनेस भी बोल सकते हो उसको. हाइपर सोरनेस एग्जैक्टली मेरे को हुआ क्यों और कहाँ हुआ था. मेरे को हुआ था काफ्स मसल में और मेरे कॉर्ड्स में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन काफ्स मसल में दोनों भी पैरों के काफ़ी ज़्यादा था. मतलब एकदम पत्थर जैसे हो गए थे वो. और ये क्यों हुआ था, मेरा जो नी जॉइंट है उसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए थे, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो काफ्स मसल तक अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा था. तो उसकी वजह से सोरनेस जो है वो काफ़ी, मतलब वर्कआउट करने के 2-3 दिनों के बाद भी वो सोरनेस होता था और काफ़ी ज़्यादा सोरनेस होता था. तो मैंने इग्नोर किया
एक वीक इग्नोर किया, सेकेंड वीक भी इग्नोर किया, लेकिन जिस दिन मैंने मैसेज डाला कि इंजरी ऐसा ऐसा हुआ है, उसके दो तीन दिन पहले तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब बहुत सा टाइट हो गया था काफ और मैं मूव नहीं कर पा रहा था अच्छे से। मैंने इसके एक दिन पहले साइकिल भी चलाया था लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को फील हुआ नहीं, कभी कभी होता था कभी कभी नहीं होता था। तो ये मेरे को हुआ था हाइपर सोनस जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने फिजियो को कंसल्ट किया। फिजियो ने मेरे को रिकमेंड किया कि बेटर यू टेक रेस्ट, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन में वर्कआउट करते हो तो मेजर इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको मसल पे स्ट्रेस नहीं डालना है, मसल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्रैम्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रेस्ट ले लेता हूँ मैं। तो ये थी एक इंजरी। उसके बाद दो तीन दिन के बाद और एक मेरे को प्रॉब्लम हुई, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरे गले में एक छोटा सा पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब वो क्या है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आवाज़ सुन के डॉक्टर ने बोला कि गले में कुछ तो प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। मैं ENT के पास गया था, तो ये चीज़ हुआ और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है सुनने के लिए, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है। सो अभी बात आती है कि मैं वर्कआउट कभी स्टार्ट करूँगा। आज से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, लगभग 7 से 8 दिन हो गए, उससे ज़्यादा हुए, शायद 10 दिन हुए, मैंने वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी आज से वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा करके स्ट्रेचिंग पे फोकस करूँगा, मोबिलिटी पे फोकस करूँगा। 3-4 दिन मैं ऐसे ही करूँगा, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और बेसिक, एकदम बेसिक फुल बॉडी वर्कआउट। ओ माय गॉड, जस्ट पॉज दिस मैन, कॉपीराइट। मिस्टर अतुल घोड़के डूइंग स्किपिंग, बर्निंग कैलोरीज। ओ माय गॉड, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अतुल घोड़के, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट बाइट। कैसे आप लोग सब लोग? हां बढ़िया। स्किल्स देखो, स्किल्स है मेरे को, स्किल्स। ओ माय गॉड, बस लेट मी टाइम पास। ओ शिट, कुछ नहीं हुआ, बॉटल गिरा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। बैक होम और डन विद द वर्कआउट। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद मैंने वर्कआउट किया, लेकिन थोड़े जॉइंट्स में मेरे को ऐसा प्रेशर फील हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दिन के बाद करो, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे करके इम्प्रूव करूँगा, लेट्स सी। और इसी के साथ आज का जो वीडियो यहीं पर ख़त्म कर दे। अगर यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और नहीं पसंद है डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रह सके, और बहुत जल्द बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश करूंगा मैं। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, मिलता हूँ आप लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान देना, बाय बाय।